बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, देख रहे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत तेजी से ताली बजा रहे थे, हम लोगों के बात पहुंची हो पहुंची हो, इनकी बात लोगों जी तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों पजावा मेरे लिए कोई नया नहीं है, पुरैया और पजावा में कोई अंतर नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। पजावा आने जाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता बीजेपी के खड़े हुए हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी, अच्छी बात है। सड़क किसके समय में आई, बिजली किसके समय में आई, यहाँ लाइसेंस कितने बने आप लोगों को बताइए, बिना किसी पैसे रिश्वत दिए हुए कितने लोगों के लाइसेंस बने, नहीं आप बनाया, डोरी लाल जी का बना तो डोरी लाल जी खत्म हो गए, बना था और भी एक दो लाइसेंस इलाके में तो तमाम बने, ये सारी चीजें हुई दोस्तों, मैंने आप लोगों की सेवा की। अगर आप समझते हैं कि वास्तव में कुछ इस क्षेत्र की मैंने सेवा की है तो आज उन सेवाओं के बदले में आपसे मांगने आया हूं कि बाबूराम जी को जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजवा दीजिए, योगी जी की सरकार बना दीजिए। मैं कहना चाहता हूं पजावा के विकास में बाबूराम जी कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, चाहे वो किसी तरीके की मदद हो, हर मदद आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और अगर नहीं पहुंचती आप हमें बताएं, हम लोग मिलकर मतलब जी ने कहेंगे वो मदद आप लोगों को मिलेगी। ज्यादा समय नहीं है, बात ज्यादा करने का हो रहा है, बहुत समय बाद आया हूं, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहूंगा कि एक एक वोट जो है कमल के फूल के सामने बटन दबाकर इनको जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज दें, यही मेरी अपील है, यही मेरी आप लोगों से दरखास्त है, यही अनुरोध है। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने अपील आप लोगों से की है, आप अपील को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, एक एक वोट भाई बाबूराम जी को यहाँ से देंगे, ये मैं मानता हूँ। मैं अभी एक नारा दूंगा कि बटन हमारा कहाँ दबेगा, तो आप लोग कहिए कमल के निशान पे, बटन हमारा कहाँ दबेगा, बटन हमारा कहाँ दबेगा, भारत माता की, भारत माता की जय।